घर में रोज की कलह से परेशानी, राजा रानी की लड़ाई, कोर्ट कचहरी तक आई। अब राजा भैया का डिवोर्स लेटर तैयार, अपनी पत्नी से पाना चाहते हैं मुक्ति। कोर्ट सुनाएगा राजा रानी की लड़ाई पर फैसला, पत्नी से दूर हो जाएंगे राजा भैया। यानी अब हाथ से चली गई राजा भैया की बीवी, गुजारेंगे बिना पत्नी की जिंदगी। 28 सालों तक निभाया राजा भैया का साथ, अब आई हेट यू तक आ गई बात। सियासत के उस राजघराने की लड़ाई अब कोर्ट कचहरी तक आई। जी हाँ, हम उस राजघराने की बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रतापगढ़ कुंडा के राजा भैया अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, यानी उन्हें तलाक दे देंगे। अगर ये बात सपनों में भी नहीं सोची थी तो अब सोच लीजिए, क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा ही है कि अब राजा भैया पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। इस नाते उन्होंने बकायदा डिवोर्स लेटर तैयार कर कोर्ट में अपील की है। देखिए राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह को क्यों छोड़ना चाहते हैं, इस बात पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखिए बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच तलाक के परिवाद पर सोमवार यानी 10 अप्रैल को दिल्ली की फैमिली कोर्ट में सुनवाई का मामला। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक राजा भैया और भानवी सिंह की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के शिवराज प्रताप सिंह, ब्रजराज प्रताप सिंह और 2 लड़कियां राघवी और ब्रजेश्वरी सिंह हैं। राजा की पत्नी भानवी बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। भानवी सिंह की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में हुई थी। भानवी सिंह अपनी 8वीं तक की पढ़ाई बस्ती के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के रिश्तों के बीच पिछले कुछ साल में खटास आनी शुरू हो गई थी और राजा भैया से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। हालांकि दोनों के संबंधों की कड़वाहट उस समय सार्वजनिक हो गई जब पिछले दिनों भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इस विवाद में राजा भैया ने अक्षय प्रताप का खुलकर समर्थन किया था। अक्षय प्रताप सिंह को राजा भैया का राइट हैंड माना जाता है। भानवी ने जोरबाग थाने में दर्ज FIR के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। उस FIR में उन्होंने MLC अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जाता है कि भानवी सिंह और MLC एक कंपनी साथ में मिलकर चला रहे थे। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी से ज्यादातर शेयर हथिया लिए, जिसमें कर्मचारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। फिलहाल राजघराने की लड़ाई में आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।